आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे अपने आस्क योर क्वेश्चन सीरीज के 13th वीडियो की। हमारे को क्वेश्चन आया है कृष्ण शर्मा जी का। क्षमा चाहते हैं अगर नाम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो शर्मा जी का क्वेश्चन है, आई हैव 100 शेयर ऑफ फ्यूचर रिटेल एट 1540। तो 154 रुपए में उन्होंने शेयर खरीदे हैं। कैन आई बाय मोर 100 मोर इन अंडर 90 रुपीज? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफी हमारे दर्शकों का ये क्वेश्चन होगा कि उनका अभी, हम इसको इस तरह से लेते हैं कि अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल के शेयर हैं और उसका एवरेज प्राइस 140 से ज्यादा है, चाहे आपने शुरू में खरीदे हैं चाहे आपने डील के बाद खरीदे हैं, कहीं पे भी अगर आपका एवरेज प्राइस 140 से ज्यादा है तो आपको खरीद लेना चाहिए। पर उसके लिए आपको दो कंडीशन होंगी, वो हम पूरा विश्लेषण करेंगे और साथ में फ्यूचर रिटेल का चार्ट भी एनालिसिस करके बताएंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए इसमें। तो चल के सबसे पहले क्वेश्चन को हम जनरिक फॉर्म करते हैं। क्या हम फ्यूचर रिटेल को और खरीद सकते हैं, स्पेशली अगर आपका एवरेज प्राइस 140 या उसके ऊपर है? और कृष्ण शर्मा जी का स्पेसिफिक क्वेश्चन, उनका प्राइस 154 रुपए है, 100 उन्होंने लॉट खरीदे हैं, 100 और खरीद सकते हैं, क्या ये 90 के नीचे खरीद पाएंगे? तो ये इनका एक क्वेश्चन है, इसको हम लेके देखते हैं। सबसे पहले आपको चार्ट से बात करें तो अगर दो दिन का चार्ट देखा जाए, तीसरे दिन पहले इसने 95 तक टच किया, क्लोज भी 95 के जस्ट ऊपर किया है, पर हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि नेक्स्ट दिन वो 95 और 100 के बीच में बंद करें तो एक कंफर्मेशन आएगा। 95 एक क्रिटिकल लेवल है जो कि इसने प्रूव कर दिया है कि यहां पर एक ही झटके में एक क्लियर नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस बना के इसको तरह से देखा जा रहा है। यहां पर ये क्लियर कट मैसेज मिल रहा है इस चार्ट के बेसिस पर। तो अब अगर हम यहां पर देखें इसका क्या अगली प्रक्रिया हो सकती है, कहां तक ये नीचे जा सकता है और कैसे इसका आगे का हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो हमारी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है जिसको हम यूज करते हैं फिबोनाची आर्च के बेसिस पर। तो देखिए, अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा और जूम करते हैं ताकि आपको दिखाई दे, तो हमने जो लो पॉइंट है उसके हाई पॉइंट तक का एक फिबोनाची आर्च बनाया है जिसका रिट्रेसमेंट लेवल देखेंगे कहां तक जा सकता है। तो जो सबसे पहला इसका सपोर्ट लेवल है वो 988 रुपीज 73 पैसे का है जो इसने इसको क्रॉस कर दिया है। ये इंटरडे लेवल्स देखे जाएंगे जब आप फिबोनाची आर्च रिट्रेसमेंट देख रहे हैं। जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 86 रुपीज 80 पैसे के आसपास है और आप ये देखिए कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, इसने यहां पर बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है यहां से लो लेवल से। तो कह सकते हैं नियर टर्म के लिए 50 परसेंटाइल इसने रेस्पेक्ट किया है। अगर किसी वजह से ये 50 परसेंटाइल को तोड़ता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 85 के आसपास रहेगा। तो कृष्ण जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपके दो लेवल बता रहे हैं जहां आप खरीद सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस जो कि 88 रुपीस 30 पैसे के आसपास है से लेकर 86 रुपी 80 पैसे तक के बीच में आप खरीद सकते हैं। तो ये 86 80 से लेकर 88-30 की रेंज में आप अपनी 100 क्वांटिटी खरीद सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एक कंपनी है जो आपकी मिड कैप कंपनी में है, आपको ये बात समझनी है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं हर कंपनी का कैटेगराइजेशन होता है, कोई स्मॉल कैप कंपनी होती है, जैसे छोटी छोटी कंपनी हो गई, फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड का एग्जांपल लीजिए, वो स्मॉल कैप कंपनी है। फ्यूचर रिटेल, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी बड़ी है तो उसको मिड कैप कंपनी में कहा जाता है। और फिर आपके हो जाती है रिलायंस, आईसीआईसीआई, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ये कहते हैं एक्सट्रीमली लार्ज कैप कंपनी क्योंकि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, आपका जब अपना पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 5% आपका पोर्टफोलियो हर एक कंपनी में अलग अलग डाइवर्सिफाई रखिए। तो अगर आपके पास ऑलरेडी सपोज 1,00,000 का पोर्टफोलियो है, सिंपल एग्जांपल लेके कह रहे हैं, हमें उम्मीद है आपके पास इससे ज्यादा पोर्टफोलियो है। अगर आपके पास 1,00,000 का पोर्टफोलियो है तो उसमें से 5,000 आप एक स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में डेडिकेट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब अगर आपके क्वेश्चन पे जाया जाए, हम आपके क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपकी यहां पर कॉस्ट है वो करीब करीब 154 रुपीस पे आपने खरीदा है तो ये करीब करीब आपका 15,000 के आसपास की आपकी कॉस्ट है। आप और 9,000 इसमें ऐड करना चाहते हैं जो कि एक अच्छी बात है, तो हम आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं अगर आप 15,000 इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी तो मेक श्योर आपका टोटल पोर्टफोलियो का साइज 3,00,000 से ज्यादा हो, तभी आप एडिशनल कैपिटल इसमें लगाइएगा। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू।
अब अगर देखें, जैसा हमने बताया आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है, और अगर आइडियल पोर्टफोलियो की बात करें तो आपके पास कम से कम 20 कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, 5% हर कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों हम लोग स्टॉक मार्केट लर्निंग और मेंटरिंग का प्रोग्राम करते हैं और एक पेड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। 8,000 रुपए चार्जेस है अक्टूबर मंथ की सीरीज के लिए। आप चाहे तो मेल ड्रॉप कर सकते हैं और टेक्निकल वर्कशॉप भी अरेंज कराते हैं। इसमें आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी मिलेगा। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक की लेसन है जो आपको समझना है दोस्तों, कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। कुछ हमारे मित्र हैं जो हमें बताते हैं कि उन्होंने पहला स्टॉक खरीदा है, पहली बार स्टॉक मार्केट में आए हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक होती है जो आपको हम अपने चैनल के थ्रू एजुकेट करना चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट देखें, म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। वो भी आपके पोर्टफोलियो मैनेजर मैनेजमेंट की तरह से काम करते हैं और आपसे पैसा चार्ज करते हैं। उनका काम क्या है, वो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में 20 से लेकर 40 तक डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक रखते हैं, किसी में 1%, किसी में 5%, किसी में 7%, ज्यादा से ज्यादा 7%, 8% तक की वो पोर्टफोलियो रखते हैं। तो अपना अपना मैनेजमेंट आप खुद से कीजिए, अपने पोर्टफोलियो का खुद से मैनेजमेंट कीजिए, 5% से ज्यादा किसी एक स्टॉक में मत कीजिए। अब अगर की स्पेसिफिक बात करें फ्यूचर रिटेल की, तो CCI अप्रूवल ऑलरेडी प्रोग्रेस में चल रहा है, जैसा आपको पता है ईशा अंबानी जी इसको मॉनिटर कर रही है। अगर आज निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी का कारोबार आज काफी तेजी का रुख दिखाया है निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी ने तो और भी तेजी दिखाई है। बैंक निफ्टी देखिए 3% के आसपास ऊपर चढ़ा हुआ है, और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने एक छोटा सा दिखाने की कोशिश की पर वो सोल्ड ऑफ नहीं हुआ ज्यादा, और ये अब फिर से करीब करीब 412 के आसपास चल रहा है। आप ध्यान रखिए दोस्तों, कल छुट्टी है गांधी जयंती की वजह से, तो आप अपनी अगर ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ी कम लेवल की ट्रेडिंग करना, आज ज्यादा एक्टिव ट्रेडिंग मत करना। अब अगर इसको 15 मिनट का चार्ट देखें तो देखिए इसने सुबह एक बड़ी, पहले एक घंटे में काफी बड़ी रेड कैंडल्स बनाई है, और यहां से लग रहा है कि 86 के आसपास जो इसकी 50% रिट्रेसमेंट है वहां से ऊपर जा रहा है। अब देखेंगे दोपहर बाद कैसी प्रक्रिया होगी। अगर ये ऊपर चलता है बहुत अच्छी बात है, अगर ये नीचे आता है तो 86 पे इसको सपोर्ट की उम्मीद रहेगी हमारे हिसाब से। अगर कुछ स्टडीज इसमें ऐड की जाए तो देखिए एलिगेटर इंडिकेटर अभी भी यहां पर सेल सिग्नल बता रहा है, ये ग्रीन के जब तक ऊपर क्लोज नहीं होगा, हो सकता है 2 दिन में ये क्लोज हो जाए, अगले हफ्ते के पहले 2 दिनों तक, और फिर यहां से बाय सिग्नल इसमें भी जनरेट हो जाएगा। अब यही अगर आप इसको कुछ और पैरामीटर आपको दिखाएं ऐड करके यहां पर, तो उससे पता लग जाएगा आपको कि क्यों हम कह रहे हैं यहां पे आपको अच्छा लेवल है बाय करने के लिए। तो देखिए अगर आप इसको चार्ट पे देखेंगे तो एक एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जब से ये मार्केट ने डाउनफॉल शुरू किया है तो यहां से अगर एवरेज किसने बनाया तो 101 का एवरेज बना हुआ है यहाँ पर। हर दिन अगर आपने एक शेयर खरीदा है इसका अप्रैल के महीने से, जब से इसका अप जर्नी शुरू हुई है, तो आपका एवरेज 101 रुपए बना हुआ है। तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम के लिए ये स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा, और एवरेज के ये मीन जो बना है इसके ऊपर डेफिनेटली इसको क्रॉस करना है। तो ये एक अच्छा साइन है, आप यहां पर खरीद सकते हैं इसके नीचे अगर आपको क्वांटिटी मिल रही है 90 के नीचे, जैसा हमने बताया जिस रेंज में, उस रेंज में खरीद सकते हैं। हमारे चैनल पर काफी एजुकेशन वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। दिवाली पिक भी आ गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, ये एजुकेशन वीडियो की प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। अब एक और इंडिकेटर अगर यहां पर ऐड करें जो कि आपको बता देता है कि डाइवर्जेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहां से, तो देखिए मैकडी के बेसिस पर दोनों ऑलमोस्ट क्लोज बाय हो गए हैं। तो अगर यहां पर 2 दिन के बाद थोड़ा पॉजिटिव रुख आता है तो ये मैकडी फिर बाय सिग्नल दे देगा। मैकडी सबसे पहले बाय सिग्नल देता है कंपेयर टू ऑल अदर पैरामीटर्स, तो आपको इसका ध्यान रखना है। मैकडी अब थोड़ा सा बाइंग सपोर्ट रेंज में आ चुका है इसके लिए। अब अगर हम लास्ट इंडिकेटर इसमें ऐड करें तो एक पैराबोलिक सार, बुलिंजर बैंड आप देखा है, आपने सुपर ट्रेंड को देखा है, पैराबोलिक सार के बेसिस पर ऑलरेडी इसने बाय सिग्नल जनरेट कर दिया है पिछले 3 दिनों से। जब इसने यहां पर इसका लेवल क्रॉस किया 93 का, तो ये बाय सिग्नल जनरेट किया है, और इसका स्टॉप लॉस जो इन्होंने रखा हुआ है यहां पर 80 के आसपास इस टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से। ये आपके लिए बहुत अच्छी डील रहेगी अगर आपके पास पोर्टफोलियो है इतना कि आपका सपोज मान सकते हैं अगर 6 लाख का पोर्टफोलियो है आपका ओवरऑल, जिसमें कैश भी इंक्लूडेड होता है, कुछ पोर्टफोलियो में कैश रखना चाहिए ट्रेडिंग के लिए भी और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी, तो अगर 6 लाख का पोर्टफोलियो है, जी हाँ, आप बिल्कुल आराम से इसमें 100 शेयर और खरीद सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक बटन दबाना, और हमारी उम्मीद यह है कि CCI का अप्रूवल दशहरे तक आ जाना चाहिए, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज रहेगी। जैसे जैसे इंक्रीमेंटल इन्फॉर्मेशन आती रहेगी हम आपको करते रहेंगे अपडेट, और प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारे हिसाब से फ्यूचर रिटेल का टारगेट 170 मिनिमम हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब इसकी डील कंफर्म हो जाती है, सबका अप्रूवल आ जाता है सेबी का, NCLT का, तो ये तेजी से बढ़ना शुरू करेगा। 170 का टारगेट अभी भी हम मेंटेन कर रहे हैं अपना। हम लोग टेलीग्राम चैनल पर भी है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। बाय गाइज।